हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों, मैं रुबेल और मैं आज आप सबके सामने जनरल नॉलेज का 50 क्वेश्चंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। सो आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देखना, और ये लास्ट मिनट रिवीजन है फॉर बीएड एंट्रेंस असम यूनिवर्सिटी सिलचर 2024 के लिए। सो आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो शुरू करते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन। द दिहिंग पाटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑल्सो नोन एज अमेजन ऑफ द ईस्ट, इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? ऑप्शन सर तिनसुकिया, कार्बी आंगलोंग, जोरहाट या गुलाघाट। इसका जो राइट आंसर होगा बॉय ऑप्शन ए है, यानी तिनसुकिया। और ये वीडियो मतलब लंबा होगा, सो आप लोग पूरा थोड़ा पेशेंसली पूरा वीडियो देखना, दो तीन बार देख लेना, इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा आप सबको। और इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर टू, फर्स्ट आसामीज चिल्ड्रेन नोबेल वाज, देखो चार ऑप्शन है, पातालपुरी, प्रियतमा सेती, शादिनी या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर होगा बॉय ऑप्शन देखिए ए, यानी पातालपुरी। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द फर्स्ट आसामीज चिल्ड्रन नोबेल पातालपुरी वॉज रिटन बाई ए चंद्र कुमार, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर थ्री, हुइच सिंगर इज नोन एज द बार्ड ऑफ द ब्रह्मपुत्र? चार ऑप्शन में से जो राइट आंसर होगा बॉय ऑप्शन बी, यानी भूपेन हजारिका। क्वेश्चन नंबर फोर, डैश इज द ओल्डेस्ट रिफाइनरी ऑफ इंडिया, डिगबॉय, बरौनी रिफाइनरी, नूनमाटी या नुमलीगढ़। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन ए, यानी डिगबॉय रिफाइनरी। और ये कह सकते एशिया का ओल्डेस्ट रिफाइनरी है जो आसाम में है। क्वेश्चन नंबर फाइव, आसाम शेयर इंटरनेशनल बॉर्डर विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? आसाम कौन से इंटरनेशनल कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है? चार ऑप्शन है, इसमें से जो राइट आंसर होगा बॉय ऑप्शन बी, यानी ओनली भूटान एंड बांग्लादेश। ये याद रखना, दो ही मतलब कह सकते हैं इंटरनेशनल कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, द टोटल नंबर ऑफ सीट इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ आसाम इज 13, 33, 80 या 126। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन डी, यानी 126। क्वेश्चन नंबर सेवन, द टोटल नंबर ऑफ द लोकसभा सीट इन आसाम, तो आसाम में कितना लोकसभा सीट है? इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन डी, यानी नन ऑफ द अबव। सो आसाम में लोकसभा सीट कितने हैं आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अच्छा चलो, असम में लोकसभा सीट कितना है, तो इधर सॉरी ऑप्शन डी नहीं है, ये ऑप्शन बी है, ठीक है। तो लोकसभा सीट कितना है 14, और राज्यसभा सीट कितने हैं 7, ये याद रखना। तो इस पर बाई मिस्टेक डी हो गया। क्वेश्चन नंबर एट, व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2024? ऑप्शन सर, जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है, सो बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन, टाइम फॉर नेचर या इकोसिस्टम रेस्टोरेशन या ऑप्शन डी आवर लैंड आवर फ्यूचर। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन डी, यानी आवर लैंड आवर फ्यूचर। तो इस बार कौन सा कंट्री ने होस्ट किया था? सऊदी अरेबिया, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर नाइन, व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2024? ऑप्शन सर, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ, बी पार्ट ऑफ द प्लान या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन सी, यानी बी पार्ट ऑफ द प्लान, ये याद रखना। और ये कब मनाया जाता है? 22 मई को, ये याद रखना। और ये कौन से साल पे यूएन जनरल असेंबली ने ये अडॉप्ट किया था? 2000, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10, और इस पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो है, नैरोबी जो फाइनल एक्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ द एडाप्टेशन एंड एग्रीड टेक्स्ट फॉर द कन्वेंशन ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये कब मतलब कह सकते वो कन्वेंशन हुआ था? 22 मई 1992। तो इसके मेमोरी पे कह सकते इसी दिन 22 मई को जो वर्ल्ड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे के हिसाब से मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्क वाज नॉट रिटन बाय नीलमणि फुकन जूनियर? देखो ऑप्शन सर, गुलाब जामिर, लग्न, सिलेक्टेड पोएम्स ऑफ द नीलमणि फुकन, मानस प्रतिमा, ये तीनों लिखा है, बस ऑप्शन डी नहीं लिखा, यानी मृत्युंजय। इसका राइट आंसर होगा देखो मृत्युंजय, वॉज रिटन बाई वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य। क्वेश्चन नंबर 11, हु वॉज द फर्स्ट वोमेन टू रिसीव ज्ञानपीठ अवार्ड? सो चार ऑप्शन में से जो राइट आंसर होगा बॉय ऑप्शन ए, यानी आशापूर्णा देवी, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 12, हु वाज द फर्स्ट आसामीज ऑथर टू रिसीव ज्ञानपीठ अवार्ड? सो देखो चार ऑप्शन है, इसमें से जो राइट आंसर होगा बॉय ऑप्शन बी, यानी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य। तो उनको मृत्युंजय के लिए ये अवार्ड मिला था। क्वेश्चन नंबर 13, हु वाज द लेटेस्ट आसामीज ऑथर जिनको मतलब ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था? इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन डी, यानी नन ऑफ द अबव, वो है नीलमणि फुकन जूनियर। क्वेश्चन नंबर 14, हु वाज द फर्स्ट आसामीज फीमेल टू इन द साहित्य अकेडमी अवार्ड? इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन बी, यानी नलिनी बाला देवी, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 15,
हु वॉज द फर्स्ट आसामी वोमेन रिसीव ज्ञानपीठ अवार्ड? इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन ए यानी इंदिरा गोस्वामी। क्वेश्चन नंबर 16, हु वॉज द फर्स्ट आसामीज टू विन अर्जुना अवार्ड? इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन बी यानी भुगेश्वर बरुआ। क्वेश्चन नंबर 17, हु वॉज द फर्स्ट आसामीज टू विन गोल्ड मेडल एट द एशियन गेम? वो भी भुगेश्वर बरुआ यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, हुज़ बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज अभिरुचि स्पोर्ट्स डे इन आसाम? तो किसके बर्थडे को अभिरुचि स्पोर्ट डे के हिसाब से मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन सी यानी भुगेश्वर बरुआ। देखो अभिरुचि जो कह सकती है स्पोर्ट्स डे आसाम में 3 सितंबर को मनाया जाता है, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 19, राइनो डे इन आसाम सेलिब्रेटेड ऑन? इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव यानी सितंबर 22, ये सब याद रखना। क्वेश्चन नंबर 20, व्हिच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द लिस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन? तो लैंग्वेज कौन से शेड्यूल पे है? सो देखो चार ऑप्शन में से जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी 8th शेड्यूल। क्वेश्चन नंबर 21, क्वीन ऑफ हिल इज नोन एज? इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन ए यानी दार्जिलिंग। क्वेश्चन नंबर 22, व्हिच डिस्ट्रिक्ट इज होम टू द पानी दिहिंग बर्ड सेंचुरी? इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन डी यानी शिवसागर। क्वेश्चन नंबर 23, ऑन व्हिच डेट इज द मैडम मेफी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एनुअली? तो कौन से डे को मतलब कह सकते हैं मैडम मेफी फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है हर साल? इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन डी यानी 31st जनवरी। क्वेश्चन नंबर 24, व्हिच अमंग द फॉलोइंग एनिमल वॉज यूज्ड एज ए रॉयल सिंबल ऑफ द किंग इन एंशियंट कामरूप? इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन सी एलिफेंट को। अच्छा चलो क्वेश्चन नंबर 25, दुबी एंड निदानपुर इंस्क्रिप्शन वॉज मेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ व्हिच बर्मन किंग? इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन डी यानी भास्कर बर्मन, जो कि बर्मन डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे और बर्मन डायनेस्टी मतलब कह सकते ये फर्स्ट हिस्टोरिकल डायनेस्टी ऑफ असम और इसका एस्टेब्लिश किया था पुष्य बर्मन ने। क्वेश्चन नंबर 26, द अर्लीस्ट किंग ऑफ असम वाज? इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन ए यानी मोहिरंगा दनम। क्वेश्चन नंबर 27, पाला डायनेस्टी इन कामरूप वाज एस्टेब्लिश बाई? इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन ए यानी ब्रह्मपाला, ये याद रखना। और लास्ट जो रूलर थे वो जयपाला थे, ये भी याद रखो। क्वेश्चन नंबर 28, व्हिच इज द लार्जेस्ट वेटलैंड इन असम? इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन ए यानी सोनबिल, और सोनबिल कहाँ पे है? ये करीमगंज डिस्ट्रिक्ट पे है। क्वेश्चन नंबर 29, इन व्हिच ईयर काजीरंगा नेशनल पार्क बिकेम ए टाइगर रिजर्व? कौन से साल पे कह सकते हैं जो काजीरंगा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व बना? इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन ए यानी 2006। क्वेश्चन नंबर 30, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईयर टी वॉज डिस्कवर्ड इन असम? सो कौन से ईयर पे जो टी असम में डिस्कवर हुआ था? इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन ए यानी 1823 बाई ब्रूस बादर, रॉबर्ट ब्रूस वगैरह। देखो रॉबर्ट ब्रूस इन 1823 डिस्कवर टी प्लांट्स ग्रोइंग वाइल्ड इन अपर ब्रह्मपुत्र वैली, तो रॉबर्ट ब्रूस ने 1823 पे ये डिस्कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 31, हु इज फेमसली नोन एज अ फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया? फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन सी यानी जादव पायेंग। तो उन्होंने मतलब कह सकते खुद से ही एक मोलाई फॉरेस्ट ये उन्होंने लगाया था, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, टोटल नंबर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट यानी टोटल डिस्ट्रिक्ट असम पे एज ऑफ नाउ कितने? वो है 35 यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कोल फील्ड इन असम? इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन डी यानी माखूम। क्वेश्चन नंबर 34, वेयर वॉज द 16th एडिशन ऑफ द इंडिया मंगोलिया ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज? इसका नाम है नोमाडिक एलिफेंट हेल्ड। देखो कोलकाता वेस्ट बंगाल या उलान बटोर मंगोलिया, ये ऑप्शन सी। उमरोई मेघालय, ये ऑप्शन डी गुवाहाटी असम। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन सी यानी उमरोई मेघालय। क्वेश्चन नंबर 35, बजरा पावर इज ए ज्वाइंट एक्सरसाइज बिटवीन व्हिच कंट्रीज? बजरा पावर जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ये कौन से कंट्री के बीच पे होता है? इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन बी यानी इंडिया एंड US। क्वेश्चन नंबर 36, व्हिच आर्टिकल डील्स विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विलेज पंचायत? चार ऑप्शन है, इसमें से जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी आर्टिकल 40। क्वेश्चन नंबर 37, व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबोलिशस अनटचेबिलिटी? इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन देखो 17, ये ऑप्शन डी यानी आर्टिकल 17, ये याद रखना। और एबोलिशन ऑफ टाइटल्स वो आर्टिकल 18, ये याद रखना। राइट टू इक्वलिटी ये आर्टिकल 14, ये भी याद रखो। क्वेश्चन नंबर 38, हु अमंग द फॉलोइंग हैड फाउंडेड ब्रह्म समाज? सो इंडिया में ब्रह्म समाज किसने फाउंड किया था? इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन ए यानी राजा राममोहन राय। क्वेश्चन नंबर 39, द डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सिडरी अलायंस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई होम इन इंडिया?
तो इंडिया पे किसने कह सकते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सिडरी अलायंस स्टार्ट किया था? इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन सी यानी लॉर्ड वेलेस्ली। क्वेश्चन नंबर 40, सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज द लीडर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग मूवमेंट? इसका राइट आंसर होगा देखो बर्दुले सत्याग्रह यानी ऑप्शन सी। तो बर्दुले के जो वुमेन थे तो उन्होंने मतलब वल्लभ भाई पटेल को सरदार उपाधि दिया था, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 41, हु ड्राफ्टेड द रिजोल्यूशन ऑफ द फंडामेंटल राइट फॉर द कराची सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1931? तो 1931 पे जो कराची सेशन हुआ था उस पर रिजोल्यूशन लिया गया था फंडामेंटल राइट के ऊपर, तो किसने लिया था? देखो चार ऑप्शन है, इसमें से जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग? देखो फर्स्ट राउंड टेबल, कॉन्फ्रेंस, गांधी इरविन पैक्ट, सीमन कमीशन या क्रिप्स मिशन, कौन सा राइट आंसर होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी पहले थ्री होगा सीमन कमीशन। उसके बाद देखो इधर देख लो, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था 1930, गांधी इरविन पैक्ट 1931, साइमन कमीशन 1928, क्रिप्स मिशन 1942। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर यानी 3, 1, 2, 4। क्वेश्चन नंबर 43, हु अमंग द फॉलोइंग एज अ फाउंडर ऑफ द खुदाई खिदमतगर? इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन बी यानी खान अब्दुल गफ्फार खान। तो उनको मतलब कह सकते फ्रंटियर गांधी के हिसाब से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, हुज पैक्ट अबैंडन्ड द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लास? सो कौन सा पैक्ट ने मतलब कह सकते खारिज किया सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लास? ये गांधी इरविन सॉरी लखनऊ पैक्ट यानी ऑप्शन सॉरी अरे वो आप लोग एक बार थोड़ा सा वो कर लेना, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर यानी पुना पैक्ट, ये याद रखना। और ये गांधी जी और कह सकते बी आर अम्बेडकर जी के बीच पे हुआ था पुना पैक्ट 1932 पे। क्वेश्चन नंबर 45, इन व्हिच ऑफ द सेशन ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टिसिपेशन वाज देयर? तो तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, इसमें से राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे कांग्रेस ने शिरकत किया था। क्वेश्चन नंबर 46, द कैपिटल सिटी ऑफ द आसाम वाज एस्टेब्लिश एट दिसपुर गुवाहाटी इन कौन से साल पे? कैपिटल सिटी मतलब आसाम का जो दिसपुर पे एस्टेब्लिश किया गया था, इसका राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी 1973। तो पहले शिलोंग पे था, उसके बाद ट्रांसफर करके 1973 पे दिसपुर लाया गया। क्वेश्चन नंबर 47, द चीफ कमिश्नरशिप वाज इंट्रोड्यूस इन आसाम कौन से साल पे? इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन बी यानी 1874। क्वेश्चन नंबर 48, हाउ मेनी गोशास आर देयर इन नामगोशा? नामगोशा लिखा था माधव देव ने, तो कितने गोशा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी हजार, तो इसको हजारी गोशा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ द अर्जेंटीना? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी ब्रूनस आयरिस। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, मनामा इज द कैपिटल सिटी ऑफ? इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन बी यानी बहरीन। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और पूरा देखना, दो तीन बार देख लो आप लोग। थैंक यू सो मच।